उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आज भाजपा उम्मीदवार विनोद सोनकर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल के बीच हुए महागठबंधन उत्तर प्रदेश में सांप और नेवले का गठबंधन हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताते चले वहीं कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश की जनता को पाकिस्तान को आग दिखाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, न कि संसद में बैठकर आंख मारने वाला प्रधानमंत्री। डिफाइन कर दीजिए इसको दोबारा। मैं सबको बता दिया मैंने, प्रधानमंत्री जी की सरकार में मैं आपको 2014 में ले जाती हूँ। 2014 में निरंतर आप अखबार पढ़ते थे, टीवी मीडिया देखते थे, तो आपको रोज एक नया घोटाला सुनने को मिलता था। कभी राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हो रहा है, कभी कोयला घोटाला हो रहा है, कभी 2G घोटाला हो रहा है, कभी आदर्श सोसाइटी घोटाला हो रहा है। 10 साल तक जिन लोगों की सरकार रही उन्हें देश के आम जनमानस के विकास के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन उनके नेता अपनी जेबें भरने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे देश की आम आवाम ने जब 2014 में वोट दिया था तो भ्रष्टाचार और घोटाले की व्यवस्था के खिलाफ दिया था, और आज हमारी सरकार ने गरीबों तक सारी योजनाओं का लाभ पहुँचा कर दिखाया है।